वॉट आर माई सेल्स? माई सेल्स एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस एंड दे फॉर्म कोलाइड्स आर टर्म्ड एज एसोसिएटेड कोलाइड्स और एग्रीगेटेड कोलाइड्स और माई सेल्स. माई सेल्स जो है ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अगर होंगे तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करेंगे, पर अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो इनके पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाएंगे और ये एक कोलाइड फॉर्म करेंगे जिससे हम बोलेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का एसोसिएशन हुआ है. या एग्रीगेटेड कोलाइड्स भी बोल सकते हैं इनको, या तो हम जैसे माइसेल्स भी बोल सकते हैं. अगर एक सोप हमने वाटर में डाला तो क्या होगा? अब इसमें एक अल्किल चेन होती है, ये जो यहाँ पर बताई है ये है अल्किल चेन. दिस इज़ द अल्किल चेन दैट इज़ आर ग्रुप और यहाँ पर होगा COO निगेटिव Na दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप. अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब अगर किसी बीकर में हमने सोप डाला, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है, कम कॉन्सेंट्रेशन में हमने सोप डाला वाटर में, तो ये सोप एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा. पर अगर और इसमें हम सोप डालते हैं एट हाई कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो जाता है, इसके पार्टिकल्स ऐसे एसोसिएट हो जाते हैं और एक कोलाइड फॉर्म करते हैं और इसको हम बोलते हैं माइसेल्स. सो सोप इन वाटर एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट एंड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इट बिहेव एज कोलाइड जिसको हम बोलते हैं माइसेल्स. अब जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है वो है क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे बोला जाता है CMC. सो CMC इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट विच द माइसेल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स एप्रिशिएबल एंड माइसेलाइजेशन ऑकर्स. जो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है जब माइसेल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स एप्रिशिएबल एंड माइसेलाइजेशन ऑकर्स. सपोज वाटर में अगर हम सोप डालते हैं, 1 ग्राम सोप हमने डाला तो वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट, हमने और 1 ग्राम डाला, ऐसे हमने अगर 5 ग्राम डाला तो अब वाटर में जो सोप है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हुआ है कि अब वो माइसेल्स को फॉर्म करेगा, मतलब एसोसिएट हो जाएंगे उसके सोप के पार्टिकल्स और माइसेल फॉर्म करेंगे या कोलाइड फॉर्म करेंगे. माइसेल्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइसेलाइजेशन. तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे माइसेलाइजेशन हुआ है, माइसेल का फॉर्मेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हुआ है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन. एट दिस कॉन्सेंट्रेशन देयर इज रैपिड चेंज इन द प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमिनन इज नोन एज माइसेलाइजेशन. तो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, रैपिड चेंज होगी प्रॉपर्टीज, जो भी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता था हमारा सब्सटेंस वो अब बिहेव करेगा एज अ माइसेल.
और इस फिनोमिनोन को हम क्या बोलेंगे, माइसेलाइजेशन। अगर हम वाटर में सोप डाल के उसको हीट देते हैं, मतलब उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन पे माइसेलाइजेशन होगा वो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर इन द शॉर्ट हम बोले तो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन पे ही माइसेलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को वाटर में या कोई भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका सीएमसी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद में क्या हो इफ़ेक्ट होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी माइसेलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएमसी दैट इज क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एज द मॉलिकुलर वेट ऑफ ए हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ ए सर्फेक्टेंट ग्रोज, एज इन दिस केस द ट्रू सोलिबिलिटी डिक्रीजेस एंड टेंडेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल टू एसोसिएट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बताए हैं कि अगर सर्फेक्टेंट, मतलब जैसे कि हम सोप डालते हैं इन द वाटर, तो यहाँ पर सोप क्या है, सर्फेक्टेंट। तो सोप में हमने देखा कि एक अल्किल चेन होती है जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। अब इसका हाइड्रोकार्बन चेन का अगर मॉलिकुलर वेट इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा मॉलिकुलर वेट बढ़ जाता है सर्फेक्टेंट के हाइड्रोकार्बन चेन का, तो इससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। मतलब अगर हम अल्किल चेन का मॉलिकुलर वेट अगर बढ़ाते हैं तो कम वैल्यू के ऊपर माइसेलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये इसका रीज़न क्या है, एज इन दिस केस द ट्रू सोलबिलिटी डिक्रीजेस एंड टेंडेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल टू एसोसिएट इंक्रीजेस। अल्किल चेन का मॉलिकुलर वेट बढ़ाने से क्या होगा, जो सोप की ट्रू सोलबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सोप कम डिसॉल्व होगा वाटर में। अब अगर सोप वाटर में कम डिसॉल्व होगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट होने लग जाएंगे, इजीली एसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि वाटर में वो सोल्यूबल नहीं होंगे, तो वो वहाँ पर कोलाइड का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम माइसेल बोलते हैं। मतलब ये सब किस वजह से हुआ, अल्किल चेन का हमने मॉलिकुलर वेट बढ़ाया सर्फेक्टेंट का, उसके वजह से उस सर्फेक्टेंट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, सोल्युबल नहीं होगा वो ज़्यादा अमाउंट में। अगर सोल्युबल नहीं होगा तो उसके पार्टिकल्स एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो कोलाइड फॉर्म कर लेगा जिसको हम बोलते हैं माइसेल्स। मतलब क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन वैल्यू ऑफ सीएमसी डिक्रीजेस।
नेक्स्ट फैक्टर जो है जो क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन डिफर्स फॉर आयोनोजेनिक एंड नॉन आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स। आयोनोजेनिक मतलब जो आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और नॉन आयोनोजेनिक मतलब जिनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसे सर्फेक्टेंट। तो ऐसे सर्फेक्टेंट के लिए क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स CMC यूजुअली इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ऐसे सर्फेक्टेंट जो आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो इनके लिए क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। मतलब टेम्परेचर और क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये होगा इन द केस ऑफ आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट, मतलब जो आयंस फॉर्म कर सकते हैं ऐसे सर्फेक्टेंट के लिए। हाउएवर दिस इफेक्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर नॉन आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे ही जो सर्फेक्टेंट आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे उनके लिए क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब CMC और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नॉन आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट के लिए क्रिटिकल मास सेल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयोनोजेनिक एंड नॉन आयोनोजेनिक सर्फेक्टेंट।